क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में विजार्ड और टेम्पलेट ऑप्शन का क्या उपयोग है, समझाइए। तो एमएस वर्ड में कई ऐसे प्रोग्राम एमएस वर्ड में कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो कुछ विशेष कार्यों को शीघ्रता से करने में हमारी सहायता करते हैं। वे कई प्रश्न पूछकर हमारी पसंद जान लेते हैं और उनके अनुसार कोई कार्य संपन्न कर देते हैं। ऐसे प्रोग्राम को विजार्ड कहा जाता है ना। बहुत सी चीजों के विजार्ड स्क्रीन पर आते हैं जिसमें हमको वो पूछते जाता है कि अब आपको कैसा चाहिए है डॉक्यूमेंट, या आपको क्या करना है। यदि आपको ऐसा करना है तो आप ये सिलेक्ट कीजिए, यदि आपको ये बनाना है तो ये सिलेक्ट कीजिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विजार्ड बोलते हैं। उदाहरण के लिए फॉर्म विजार्ड हमारे लिए डेटा एंट्री फॉर्म तैयार कर देता है और वेब पेज विजार्ड हमारे लिए वेब पेज तैयार कर देता है। इसमें हमको स्वयं कुछ चीज नहीं बनाना, केवल क्लिक करते जाना है। जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो पूछता है कि आपको क्या इंस्टॉल करना है, क्लिक करो, फिर क्या इंस्टॉल करना है, क्लिक करो, तो वो विजार्ड कहलाता है ना। जैसे हम जीमेल में भी अकाउंट बनाते हैं, अगर इंटरनेट और एंड्रॉयड मोबाइल आप चलाते होंगे तो बहुत सी जगह ऐसे विजार्ड आते हैं। तो एमएस वर्ड में भी जो है विजार्ड आता है। एक और विजार्ड आएगा जिसका नाम है मेल मर्ज विजार्ड। तो विजार्ड का उपयोग हम कैसे करेंगे देखते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक उदाहरण रखा हुआ है, और वो क्या चीज है, वो है रिज्यूम विजार्ड बनाने का विजार्ड है। तो इसी प्रकार रिज्यूम विजार्ड के द्वारा हम अपना रिज्यूम बहुत आसानी से बना सकते हैं। विजार्ड की तरह टेम्पलेट भी एमएस वर्ड की एक सुविधा है। देखिए रिज्यूम विजार्ड के द्वारा किस प्रकार से विजार्ड बनाएंगे, तो ये वो विंडो दी गई है विजार्ड की, जो कि विजार्ड के समय पे आती है ना। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके आपको दिखाते हैं। 2003 को हमने ओपन किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम विजार्ड का उपयोग करेंगे। उसी की थ्योरी को जो आप प्रैक्टिकल यहाँ पर करते जा रहे हैं, उसी को स्टेप बाय स्टेप परीक्षा में लिखना होगा कि कैसे विजार्ड के द्वारा हमने एक कार्य को पूरा किया, एक रिज्यूम बनाया। उसके लिए हमें फाइल में जाना है, न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के बाद अभी हमने सीखा कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा, लेकिन यदि हमें विजार्ड का उपयोग करना है तो हम यहाँ जाएंगे रिज्यूम विजार्ड। जैसे हम रिज्यूम विजार्ड में क्लिक करेंगे तो ये देखिए विजार्ड की पहले विंडो आ गई, जिसमें कुछ हमको पिक्चर्स के द्वारा भी बता रहा है कि अभी हम स्टार्टिंग पोजिशन पे है। सेकेंड में हम अपने रिज्यूम का स्टाइल चुनेंगे, फिर टाइप चुनेंगे, फिर एड्रेस चुनेंगे, हेडिंग्स चुनेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद फिनिश तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ भी पिक्चर भी दिखाते जा रहा है, और ये देखो ये रहा रिज्यूम विजार्ड। हमको एक तरीका हो गया कि एमएस वर्ड में हम सारी चीजों को टाइप करें है ना और बनाए, लेकिन ये विजार्ड हमको ऐसा कुछ भी टाइप नहीं करना, केवल सेलेक्ट करना है। दिस विजार्ड क्रिएट्स अ रिज्यूम दैट इज टेलर्ड टू योर प्रेफरेंसेस। जो जो आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका रिज्यूम जो है बन जाएगा। नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, आपको किस प्रकार से रिज्यूम बनाना है। तो अभी हम केवल एंट्री लेवल रिज्यूम में बनाना चाहते हैं, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। फिर से हमने नेक्स्ट किया। अब आपको रिज्यूम में क्या रखना है, तो यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर दीजिए। अभी हमने पहले कई बार बनाया इसलिए पहले से टाइप आ रहा है। आपको यहाँ पर इसे डिलीट करके अपना नाम टाइप करना है, एड्रेस जो भी आप रिज्यूम में रखना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, फैक्स यदि ऑफिस का तो उसे, और अपनी ईमेल आईडी। फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने रिज्यूम में क्या क्या चीजें जो है रखना चाहते हैं। रिज्यूम का इस्तेमाल किया जाता है कहीं पर भी, आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, या कहीं आप आजकल जॉब वगैरह के लिए भी जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका कंपनी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने क्या एजुकेशन की हुई है, आपका क्या, आपने कोई अवार्ड तो नहीं रिसीव किया, उसके बारे में बताइए, ठीक है ना। ये सारी जानकारी जब हम देते हैं तब कंपनी हमारे बारे में जानती है और हमें जॉब देती है, तो उसे बोलते हैं रिज्यूम। यहाँ पर देखिए हम लैंग्वेज कौन कौन सी हमें मालूम है उसके बारे में हम सेलेक्ट करेंगे, है ना। ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट किया हमने, और भी सारी चीजों को पढ़ करके हम चेक भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में क्लिक किया, यहाँ पर हम अपने रिज्यूम का कोई हेडिंग देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट किया और हमने देखिए फिनिश कर दिया, और यहाँ पे फिनिश तक हम पहुंच गए और फिनिश कर दिया। तो देखिए विजार्ड ने हमको केवल सेलेक्ट करते हुए इतना बढ़िया तरीके से हमको सुविधा दे दी कि हम केवल ऑप्शन को सेलेक्ट करते जाएं और हमारा जो है वो विजार्ड के द्वारा एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। अब जो भी यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो बदल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी टाइपिंग वगैरह करनी है वो आप टाइपिंग कर सकते हो। तो ये था आपका विजार्ड, जिसके द्वारा आपको सुविधा दी गई कि आप बड़े आसानी से जो है क्या बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं।